हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पायल। आई एम फ्रॉम जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जेड को जेड के पास लेके जाएंगे। यहाँ ये प्लस का जाके माइनस 2z हो जाएगा, 6 प्लस का जाके माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2z इज इक्वल टू 3। प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस का निशान छोटा है, क्योंकि 3 छोटा है ना 6 से, इसलिए z इधर रहेगा 3/2। अब इसको हम काट तो नहीं सकते, तो हमारे z की वैल्यू क्या गई, 3/2। अब हम इसको चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 4z प्लस 3 और राइट हैंड साइड क्या है हमारी 6 प्लस 2z। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं हम 3/2 एंड प्लस 3, 2 1 2, 2 2 4। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस 3, क्योंकि प्लस 3 भी है, तो क्या आ गया 9। इसका आंसर क्या आ गया, 9 लेफ्ट हैंड साइड का। एंड राइट हैंड साइड 6 प्लस 2 ब्रैकेट 3/2, 2 1 2, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम एंड राइट हैंड साइड भी सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। थैंक्स।